नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने लखीमपुर जिले से आपराधिक घटना को अंजाम देने आए 25,000 के दो इनामी बदमाशों सहित 7 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश प्रदीप निवासी महरताला जिला लखीमपुर खीरी व राहुल निवासी सिद्धनपुर खीरी का निवासी है। इसके साथ ही अन्य 5 बदमाश पन्नालाल, हरेंद्र रैदास, राहुल रैदास गाजीपुर के बताए जा रहे हैं, जबकि अनुराग सिंह बुलंदशहर व मोहम्मद राजू नोएडा के निवासी है। बदमाशों को जिले के मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाशों के पास से लाखों रुपए के कीमत की ड्रिल मशीन, 3 तमंचा, 4-6 टीजी मशीन जिसकी कीमत 80 लाख रुपए व कार बाइक भी बरामद की गई है। इसके साथ ही पुलिस सभी बदमाशों को आपराधिक इतिहास खंगालने में लगी हुई है। बदमाशों ने पूछताछ में लखीमपुर खीरी का निवासी बताया। वहीं आजमगढ़ पुलिस ने बदमाशों से पूर्व में किए गए वारदात के बारे में भी पूछताछ कर रही है। आप देख रहे हैं आजमगढ़ ब्यूरो, अमन कुमार की एक रिपोर्ट। ये आजमगढ़ की थाना देवगांव पुलिस टीम, सर्वलांस टीम और स्वेट टीम सेकंड, ये इन सबके द्वारा मिलकर एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है। और जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन और केबल्स डालने वाली जो मशीन है, जो डीजी मशीन जिसे कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कितनी गहराई पर है और कहाँ पर वो केबल डाला जा रहा है, वो उस एक मशीन की कीमत लगभग 16 से 18 लाख रुपए होती है। ऐसी 8 मशीनें पिछले एक साल में लूटी गई थी विभिन्न जनपदों से, और उन उस केस का खुलासा हुआ है। और इसमें पहले 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 5 मशीनें जो विभिन्न लूटों की थी विभिन्न जनपदों की, वो बरामद की गई। और बाद में उसके शेष 2 अभियुक्त जो भागे हुए थे, उन्हें पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हुए टीम के साथ, और उनसे 1 मशीन बरामद की गई है। इस 7 अभियुक्तों के पास से 6 मशीनें बरामद हुई हैं, 1 कार बरामद हुई है, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, और 3 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। दोनों जो अभियुक्त थे, जो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए, दोनों पर 25,000 रुपए का इनाम था। तो बहुत उत्कृष्ट कार्य हुआ, और ये पहली बार इस तरह का जो केस है, जो इस तरह की मशीन लूटने का जो केस पिछले एक साल से विभिन्न जनपदों में, इवन बिहार में भी हुआ था, चल रहा था, उसका वो बहुत सारी मशीनें बरामद हुई, उन सभी केसों का अनावरण हुआ है, और इस तरह की जो घटना जो कारित हो रही थी उसे इसे रोकने में मदद मिलेगी। देखिए ये मशीन एक छोटी 4-4.5 किलो की मशीन है, और टॉर्च टाइप होती है। उसे नीचे जब मशीन में डाला जाता है, पाइप डाला जाता है, केबल डाला जाता है, उस मशीन का एक जो हिस्सा है, जो एक अलग से सेपरेट हिस्सा होता है लोहे का, वो अंदर डाला जाता है। और उस मशीन को जब हम चलाते हैं तो उससे उसकी गहराई और कहाँ पर वो पाइप पड़ रहा है वो उसका पता चलता है। तो ये यूज़ होती है जब अंडरग्राउंड पाइप लाइन डालने में या केबल्स डालने में इसे यूज़ होता है, और ये महंगी मशीन है, और इसके बिना पाइप या जो केबल्स है वो अंडरग्राउंड डाल नहीं सकता। देखिए अपराधी जो है विभिन्न विभिन्न जनपदों के हैं, और कुछ बिहार के हैं, कुछ यहाँ के हैं, और यहाँ भी विभिन्न विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, और उनके द्वारा गैंग बनाकर कार्य किया जा रहा था, और सारी केवल 2